नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल टेक एंड डिज़ाइन पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे कि ऑटो कैड में हम लोग पिच्ड रूफ की किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, पिच्ड रूफ किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। और ये पिच्ड रूफ एक्चुअली जनरली हम लोग बंगलोज या विलाज में प्रोवाइड करते हैं। तो ये पिच्ड रूफ क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो ये पिच्ड रूफ के लिए मैं एक फ़ोटो लेके आया हूँ, पिक्चर लेके आया हूँ, जिसमें तो इस तरह की जो छत होती हैं उनको हम लोग किस तरह बनाते हैं, किस तरह डिज़ाइन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें कई सारे टाइप के डिज़ाइन दिए जाते हैं, और इस टाइप का जो घर होता है उनको जनरली ऑटो कैड में बनाना थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा दूसरे तरीके से बनाया जाता है। और कुछ इस ये सब जो डिज़ाइन करते हैं, इन सब के कुछ थंब रूल हैं, जिसको जानने के बाद आप बिल्कुल आसानी से इस टाइप के जो छत हैं उनको डिज़ाइन कर पाएंगे। और जनरली प्रॉब्लम ये होता है कि इनका जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, और कितने एंगल में इनको प्रोवाइड किया जाता है, ये सब में प्रॉब्लम होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि कैसे प्रोवाइड किया जाता है, कितना में, ताकि वो अच्छा दिखे और सेफ़ भी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं जैसा कि एक बंगलो का हमने एक प्लान लिया हुआ है, तो इस बंगलो का प्लान में हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले LA इंटर, और हम लोग क्या करेंगे कि सारे लेयर्स को ऑफ कर देंगे। करने के बाद हम लोग एक लेयर को मैं सिर्फ ऑन कर रहा हूँ, जिसमें हमारे सिर्फ वॉल्स हैं। तो इस लेयर में को इस वॉल्स को मैं एक साइड कॉपी कर लेता हूँ, CO इंटर। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो जनरली हम लोग की जो छत होती है, जो कि ये पार्ट जो होती है, ये पार्ट जो कि वॉल से थोड़ी निकली हुई होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी निकली हुई है, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे अपने जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं उनसे हम लोग को कुछ ऑफसेट करके बाहर की तरफ भी रखना होता है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 फीट। तो हम लोग इसको 1 फीट दूरी पर रखेंगे, बाहर की तरफ निकालेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने चारों तरफ है कि ऑफसेट कर चुका हूँ। तो देखिए कि जैसे मैं यहाँ पर एक फीट की दूरी पर चारों तरफ ऑफसेट किया है सारे साइड में। उसके बाद दोस्तों आने वाला है जो मेन ट्रिक है, जो मेन एक्चुअल जो हमारा जो थंब रूल है उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले ये सब जो वॉल्स हैं उनको हम लोग यहाँ लेयर्स में जाके हाइड कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे कि एक लाइन लेंगे, और यहाँ पर हम ये पोलर ट्रैकिंग F10 इसका शॉर्टकट की है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं पोलर ट्रैकिंग को ऑन कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पोलर ट्रैकिंग से क्या होता है कि आपकी जो एंगल की जो ट्रैकिंग है वो यहाँ पे कर लेती है। तो यहाँ पे मैंने 45 डिग्री पे टिक किया हुआ है, यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग को ऑन कर लें। उसके बाद फिर जो हमारा जो सबसे जो बड़ा वाला रेक्टेंगल बनेगा उसको पहले मार्क कर लें। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल बनने वाली है, ये जो रेक्टेंगल है वो सबसे बड़ी रेक्टेंगल बनने वाली है इस प्लॉट में। तो इसमें क्या किया जाएगा कि सबसे पहले हम लोग इस पे इसकी जो सेंटर मार्किंग है उसको सेंटर में ले लेंगे, F8 दबा लेंगे, और इसकी जो सेंटर मार्किंग है सेंटर लाइन से बीच से निकाल कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग हर कॉर्नर से 45 डिग्री पर F8 दबा लेंगे, ताकि ये फ्रीली चारों तरफ घूम सके। और ये 45 डिग्री जैसा कि हम फिर से यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग को ऑन कर लेंगे, तो ये ट्रैक करेगा हमारा 45 डिग्री। देखिए जो दोस्तों ये जो एक्सटेंशन लाइन है ये हमारा 45 डिग्री ट्रैक करता है। तो ये जो पोलर ट्रैकिंग पे हम लोग बस क्लिक कर देंगे ट्रैक करने के बाद, उसके बाद स्किप कर देंगे, तो ये हमारी जो एंगल होगी वो 45 डिग्री पे आ जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करके मिरर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसको फिलेट कर लेंगे यहाँ से इससे, और यहाँ से इससे, और जो एक्स्ट्रा जो ये जो लाइन है उसको हम लोग फ्रेम कर लेंगे, PR डबल इंटर। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो मेन जो सबसे बड़ा वाला जो बॉक्स बन रहा है उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है।
उसके बाद हमारा दो एरिया बच जाता है, जो दो बॉक्सेस हैं वो हमारे बच जा रहे हैं। एक हमारा ये जो बॉक्स एरिया है ये बच जा रहा है, और एक हमारा जो ये एरिया है, जो हमारा जो ये एरिया है ये बच जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे एक इस टाइप का, जो सामने की तरफ से हम लोग इस टाइप का जो डिज़ाइन कर सकें, जो सामने की तरफ से खुले हुए टाइप का दिखता है, तो उस तरह का हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर भी लाइन लेंगे और यहाँ पे कोलर ट्रैकिंग ऑन कर लेंगे, और यहाँ से हम लोग 45 डिग्री पे एक लाइन बना लेंगे और उसको स्किप कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा बॉक्स है और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक हम लोग इसके सेंटर पे लाइन ले लेंगे, और उसके बाद इसको एक ट्रैक कर चुका है, और यहाँ पर हम लोग इसको ट्रिम कर देंगे और उसको डिलीट कर देंगे ई इंटरपीरियस। तो उसके बाद जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जो ये जो पार्ट है, पॉर्च का जो एरिया है, वो हमारा इस टाइप का जो पिच्ड रूफ आएगा उस सामने से इस तरह का दिखेगा, और जो हमारा अंदर का एरिया है जो कि है वो हमारा इस टाइप का दिखेगा अंदर से, वो चारों तरफ से नीचे की तरफ। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ से नीचे की तरफ गया हुआ है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है, जो हाईएस्ट जो घर का जो बिल्डिंग ये बंगलो का जो हाईएस्ट पार्ट होगा वो ये रहेगा, और यहाँ पे जो इंक्लाइन में जो गया है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हमारा जो ये जो हाइट रहेगा वो पॉर्च का वो यहीं तक रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो इसी तरह से हम लोग इस 45 डिग्री एंगल के लाइन के एंगल की मदद से हम लोग यहाँ पे इस तरह का बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी छूटा हुआ है, तो इसको भी आइए इसको भी उसी टाइप का अच्छे से डिज़ाइन किया जाए इस एरिया को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक लाइन और इसके सेंटर में एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद दोस्तों ये 45 डिग्री में ये लाइन पहले से ही बनी हुई है, तो इसको कॉपी कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे इस कॉर्नर पॉइंट पर हम लोग रख लेंगे और उसको इस तरह से मिरर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको फिलेट कर लेंगे, और इस ये जो जो लाइन है उसको हम लोग ट्रिम कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बन चुकी है, यहाँ पे बहुत अच्छी लगेगी सामने की तरफ से देखने में, और हम लोग इजीली इसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि कहाँ पे हम लोग किस जगह पे हम लोग पिच्ड डिज़ाइन दे सकते हैं। तो आइए हम लोग इस सब सारे जो हमारे लेयर्स हैं उसको अनहाइड किया जा करते हैं। और जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो रूफ है उसको वो बिल्कुल अच्छी तरह से डिज़ाइन हो चुका है। और दोस्तों अगर आप इसका एलिवेशन या सेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी जो कितनी हाइट होती है, कितनी हमारे एंगल में हम लोग इसको बनाए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये प्लान से ही हम लोग इसको के हेल्प से हम लोग बना सकते हैं। हाइट होती है वो हम लोग कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यू हैं या फिर कुछ थंब रूल हैं उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। जनरली ये कुछ जगह पे इस थंब रूल्स के हेल्प लेके बनाते हैं, कुछ जगह पे डिज़ाइन भी किया जाता है जो हमारे आईएस कोड के हिसाब से। तो ये जनरली थंब रूल है जो कि जनरली हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो किस टाइप के टॉपिक पे चाहते हैं ये प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। और अगर इस वीडियो में जो भी मैं यहाँ पे समझाया हूँ बताया हूँ कुछ ना समझ में आया, या फिर आपको कुछ लगे कि यहाँ पे कुछ मेरे से कुछ गलती हुई है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर करेक्ट करें। थैंक यू।